हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ त्रिवेंद्र भारद्वाज और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ टाटा नेक्सोन की थर्ड सर्विस की। ये थर्ड सर्विस करा के लाया हूँ। तो मेरी गाड़ी डीजल में है, जैसे कि आपसे बात में बहुत से लोगों को पता होगा। और ये गाड़ी बहुत लंबे ट्रिप के बाद आई है, करीबन 1 महीने 10 दिन के पूरा ट्रिप करने के बाद मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ। और अब ये मैं सैटरडे को सर्विस सेंटर में छोड़ के आया था, तो उन्होंने मेरे को शाम का कमिटमेंट किया था कि भाई हम शाम को आपको गाड़ी दे देंगे। और मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा कि आपकी गाड़ी में सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है भाई लेह लद्दाख जैसी जगह में गई है, बहुत सारा ख़राब गंदा टेरेन था, जो कि आपको आगे वीडियोज़ में दिखाई भी देगा कैसी कैसी जगह से आप ये गाड़ी मैंने निकाली है। तो वो सब जो था उसकी वजह से मैंने सोचा चलो ऐसा होगा। तो लेकिन उन्होंने पूछा कि कहीं गाड़ी लगी वगी है, तो मैंने कहा नहीं, गाड़ी तो कहीं नहीं लगी है। तो उन्होंने मेरे से ये पूछ के कहा ठीक है, हम आपकी गाड़ी चेक करेंगे, पूरी खोलनी पड़ेगी नीचे से और सस्पेंशन वगैरह चेक करने पड़ेंगे, आवाज़ आ रही है। तो मैं गाड़ी छोड़ के आ गया था। आज मंडे है, यानी कि मेरे को सैटरडे को मैंने गाड़ी दी थी आफ्टरनून में, और मेरे को मंडे इवनिंग में अभी गाड़ी मिली है 6 बजे, ये 5:30 बजे के करीब। गाड़ी बाहर से लगभग साफ़ है, बहुत गंदी थी गाड़ी जब आई थी, और लेकिन अभी जो गाड़ी साफ़ करके दी है वो लगभग साफ ही है बाहर से। लेकिन इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये देखो ऐसे पानी निकलता है ना, तो ऐसे पानी के निशान पड़ जाते हैं, ये देखो इधर है। हाथ से हटाएंगे तो ये थोड़े हट जाएंगे, कपड़े वपड़े से, थोड़े गीले कपड़े से हटाऊँगा तो एकदम हट जाएंगे। तो ये इस तरीके से इसमें पानी जगह जगह निकलता तो ऐसे निशान पड़ जाते हैं। तो जब ये सर्विस करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि यार ऐसे निशान ना पड़े, कुछ इस तरीके के, ये देखो ऐसे निशान पड़े हुए हैं, ये देखो, तो ऐसे कुछ इस तरीके के निशान ना पड़े। और अंदर से भी गाड़ी ऑलमोस्ट साफ ही कर दी है इन्होंने, ये देखो। मैंने गाड़ी जो है काफ़ी गंदी थी, बहुत गंदी थी अंदर से भी गाड़ी, लेकिन ये देखो ट्रे वगैरह एकदम साफ कर दिए, नीचे से भी साफ़ है पूरा, ये एरिया भी साफ़ है, बहुत गंदा हो गया था नीचे। मैट वेट जो भी है मैंने एक्स्ट्रा मैटिंग करवाई हुई है इसमें, 7D मैटिंग कराई है, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये जो साफ़ करते हैं ना वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी जगह, ये देखो यहाँ पर ये कूड़ा, काफ़ी सारा मिट्टी है जो है, डस्ट है ये यहाँ पर लगी हुई है, ये पीछे देखो डस्ट इस पर भी लगी हुई है, इसको चाहे तो छुटा सकते हैं। ये देखो मैंने हाथ मारा तो वहाँ से ऐसे छूट गई। बाकी का यहाँ से भी साफ़ है, लेकिन इसमें भी देखो थोड़ा थोड़ा सा कोने में डस्ट है। और ऐसे जैसे साफ़ कपड़ा ना मारा हो इस तरीके से, यहाँ पे बाकी का डैशबोर्ड वगैरह साफ़ है, लेकिन थोड़े थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रह गए हैं। तो इस तरीके की गाड़ी साफ़ की है। बाकी का मेरे पास अभी ये बिल है, तो मैं भी आपको बताता हूँ कितने का ये बिल है। 5,000 का करीबन बिल इन्होंने मुझे बनाया थर्ड सर्विस में, जिसमें कि इस इन्होंने बोला कि हमने इंजन ऑयल चेंज किया है, और ये बता रहे हैं कि वाइपर चेंज किया है, तो एक वाइपर का ब्लेड चेंज किया है इन्होंने, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो वाइपर का एक ब्लेड चेंज किया है इन्होंने बताया, और बाकी का सस्पेंशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम थी वो था इंजन ऑयल चेंज, और एयर फिल्टर चेंज किया है, और ऑयल फिल्टर चेंज किया है। तो ये मैंने 14,170 किलोमीटर पे सर्विस कराई है। हालांकि इसकी जो सर्विस होती है वो होती 15,000 तक है, लेकिन कोई बात नहीं, 700-800 किलोमीटर पहले करा ली तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी की गाड़ी तो ठीक ठाक साफ़ करी है, बहुत गंदी थी चलो, लेकिन अभी और चलाने के बाद पता चलेगा कि गाड़ी कैसी चल रही है। ये गाड़ी मैं जब सर्विस के बाद चलाऊंगा तब पता चलेगा, बाकी देखते हैं अभी। वैसे तो अभी मैं गाड़ी चला कर लाया हूँ करीबन 2-3 किलोमीटर, तो गाड़ी अच्छी चली है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जब लेकर आया था तब कोई प्रॉब्लम थी, तब भी गाड़ी ऑलमोस्ट ठीक ही थी। और पूरे लद्दाख ट्रिप पे आप देखेंगे कि गाड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है गाड़ी ने। तो चलिए आज तो फ्रेंड आज के लिए तो यही था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा मुझे कमेंट में बताना, अगर आपके पास नेक्सोन या टाटा की कोई गाड़ी है। और अभी बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो
नेक्सोन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड होंगी। और अगर आप लेह लद्दाख का पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं कि लेह लद्दाख हिमाचल प्रदेश में गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, ट्रैवल वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। और वैसे मेरे ट्रैवल चैनल का नाम फियर फ्री ट्रैवल है, आप उसे YouTube पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।